हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेज. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर SST बुक्स 8th चैप्टर. लेट्स फ्रॉम हेयर. ख्वाजा बख्तियार काकी, सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी बिलोंग्ड टू द चिश्ती ऑर्डर. सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते थे. हु बिलीव्ड इन कमिंग क्लोज टू गॉड थ्रू रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी. जो ये विश्वास करते थे कि ईश्वर के पास केवल रिनंसिएशन मीन्स होता है त्याग करना ऑफ द वर्ल्ड, संसार का त्याग करके मानवता की सहायता करने से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है. ही वाज बोर्न इन 1173 में उनका जन्म हुआ. ही वाज ए रिनाउंड मुस्लिम सूफी संत. वे एक प्रसिद्ध मुस्लिम सूफी संत थे, मिस्टिक आध्यात्मिक थे एंड स्कॉलर विद्वान और दार्शनिक थे ऑफ द चिश्ती ऑर्डर फ्रॉम दिल्ली. ये दिल्ली से थे और चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे. नेक्स्ट, ख्वाजा बख्तियार काकी डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल डॉक्ट्रिन्स. ख्वाजा बख्तियार काकी कोई भी औपचारिक सिद्धांत इनके नहीं थे. ही ओफन हेल्ड मजलिस, जिसे मीटिंग बोलते हैं, एट हिज होम. वे अक्सर अपने घर पर सभा का आयोजन किया करते थे. वेयर ही एक्सप्रेस्ड हिज थॉट, जहां वे अपने विचारों को प्रकट करते थे. दे लेड इम्फेसिस ऑन रिनंसिएशन. उन्होंने रिनंसिएशन में ध्यान केंद्रित या ध्यान केंद्रण पर प्रभाव डाला या दबाव डाला. हैविंग कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड, वे ईश्वर में पूरी तरह से विश्वास करते थे. ट्रीटिंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स एज इक्वल, सभी मानव जाति के साथ समानता का व्यवहार करते थे. एंड हेल्पिंग देम, और उनकी सहायता करते थे. व्हेन एवर द नीड अरोज, जब कभी उन्हें आवश्यकता होती थी. जब कभी मानव जाति को किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता या उनकी हेल्प की आवश्यकता होती थी, तो वे हमेशा उनकी हेल्प करते थे. वट एवर मनी वाज डोनेटेड टू हिम, जो कुछ भी धन उन्हें दान में मिलता था, ही गेव इट इन चैरिटी, तो वे इसे दान में दे देते थे. वे कहीं और से, यदि उन्हें कोई दान दक्षिणा में कुछ धन मिलता था, तो विश्वम इसे किसी और को दान कर देते थे. ही डाइड इन 1235, वे 1235 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई. द श्राइन ऑफ ख्वाजा बख्तियार काकी, ए श्राइन मीन्स होता है पवित्र स्थान. ख्वाजा बख्तियार काकी का जो पवित्र स्थान है या तीर्थ स्थल है, वो नियर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के पास में है. हैज़ बीन द वेन्यू ऑफ ए वेल नोन फेस्टिवल कॉल्ड, और इसकी महत्वता इस कारण से है कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध त्यौहार होता आयोजन होता है, जिसे कहते हैं फूल वालों की सेर या ए फेस्टिवल ऑफ फ्लावर सेलर्स. पुष्प विक्रेताओं का एक उत्सव लगता है, जिसे फूल वालों की सेर के नाम से जाना जाता है. तो वहाँ इसके कारण इनका पवित्र स्थान सबसे ज़्यादा फेमस है. इट इज़ अटेंडेड बोथ बाय द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. यह हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा इस उत्सव को, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों इस उत्सव में शामिल होते हैं. द फेस्टिवल हैज़ इट्स ओरिजन इन 1812, और इस उत्सव का प्रारंभ 1812 में हुआ. बट इट वॉज स्टॉप्ड बाई द ब्रिटिश इन 1942, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1942 में इस पर रोक लगा दी गई. बट लेटर रिवाइव्ड बाई जवाहरलाल नेहरू इन 1961 टू ब्रिज द गैप बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. लेकिन उसके बाद में 1961 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसे आप ध्यान रखना है, 1961 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो अंतर की खाई थी, उसे रोकने के लिए इसे फिर से प्रारंभ कर दिया गया. किसको? जो उत्सव आयोजित होता है इसी को. जलालुद्दीन रूमी वाज 13th century पर्सियन पोइट एंड सूफी मिस्टिक. जलालुद्दीन रूमी 13वीं शताब्दी के एक पारसी कवि और सूफी आध्यात्मिक व्यक्ति थे. ही वाज बोर्न इन ईरान, उनका जन्म ईरान में हुआ था. इन द सिटी ऑफ बाल्क सिटी में इनका जन्म हुआ. ही वॉज ब्यूरिड एट कोयना, और इनको कोयना में दफनाया गया. एंड इज श्राइन बिकेम प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, और इनका जो पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थल है, वो यात्रा का केंद्र बन गया. तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है.
जिसके क्वेश्चन आंसर आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से अपना वर्क करें और लर्न भी करें, आपकी FA1 एग्जाम्स की प्रिपरेशन रखें। थैंक्स।